कल रामनगर में जो है, क्योंकि कोरोना की संख्या लगातार बढ़ रही है, उसको लेकर 27 तारीख से 3 मई तक जो है कर्फ्यू जारी किया है, तो आप कितना सहमत हैं? ठीक है, कोरोना का रोकथाम के लिए ये ठीक है, लेकिन बाजार में भीड़भाड़ बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से आपदा बहुत ज़्यादा हो रही है। रामनगर में भी आज शाम से 3 मई तक लॉकडाउन लगने के आदेश के बाद बाजारों में भीड़ देखने को मिली है। इस दौरान भरे बाजार में लोगों ने सरकार की गाइडलाइंस की खूब धज्जियां उड़ाई हैं। वहीं इस भीड़ के दौरान स्थानीय प्रशासन भी पूरी तरह से लापरवाह दिखा है। हर तरफ लोगों से खचाखच भरे बाजार में खरीदारी करने आए लोगों से जब न्यूज 31 उत्तराखंड की टीम ने उनकी राय पूछी तो लोग लॉकडाउन को लेकर तैयार नजर आए। लोगों का कहना था कि बाजार में भीड़ पर रोक लगानी चाहिए, लेकिन ये बोलते लोग खुद ही नियमों को तोड़ते दिखाई दिए हैं। इस दौरान बाजार में कई लोग बिना मास्क के घूमते नजर आए तो बाजार में भी सामाजिक दूरी का पालन होता कहीं नहीं दिखा है। 31 उत्तराखंड में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि उत्तराखंड में लगातार कोरोना पॉजिटिवों की संख्या बढ़ती जा रही है, तो वहीं रामनगर शहर में भी लगातार कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा भारी संख्या में बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर जिलाधिकारी नैनीताल ने जनपद के नैनीताल के 3 क्षेत्रों को 27 तारीख से 1 हफ्ते के लिए कर्फ्यू में करने के आदेश दिए हैं, जिसमें कर्फ्यू के दौरान आवश्यक सेवाओं की दुकानें खुली रहेंगी और अति आवश्यक लोग जो बाहर जाएंगे उनके वाहनों को अनुमति दी जाएगी। 27 तारीख से लगने वाले कर्फ्यू को लेकर आज हम रामनगर के मुख्य बाजार में खड़े हैं और देख सकते हैं कि यहाँ कर्फ्यू के खबर सुनते ही और आदेश होते ही लोगों में सामान की खरीदारी को लेकर किस प्रकार का माहौल है। लोगों में डर बना हुआ है कि कहीं पिछले साल की भांति कर्फ्यू संपूर्ण रूप से कर्फ्यू ना लग जाए और राशन और खाद्य सामग्री की दुकानें पूर्णतः बंद ना हो जाए और काला बाजारी ना हो जाए, इसको लेकर लोग आज बाजारों में घूम रहे हैं और अपनी जमकर खरीदारी कर रहे हैं। मैं कैमरामैन बंटी अरोड़ा से चाहूँगा कि बाजार की तरफ कैमरा घुमाकर यहाँ की भीड़ का नज़ारा हमारे दर्शकों को दिखाएं कि किस प्रकार दुकानों में लगातार भीड़ हो रही है और लोगों में कर्फ्यू को लेकर एक माहौल बना हुआ है कि कहीं पिछले साल की भांति इस बार भी लॉकडाउन के चलते बाजार बंद ना हो जाए। लेकिन रामनगर में देखा गया है कि लगातार कर्फ्यू को दौरान और नाइट कर्फ्यू के दौरान लॉकडाउन को लेकर लगातार सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का यहाँ पर उल्लंघन भी हो रहा है प्रशासनिक तौर पर। हालांकि लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू को लेकर सरकार की गाइडलाइन का पालन कराने के लिए समय समय पर जागरूक भी किया जा रहा है। हम बातचीत करेंगे यहीं पर कि कई लोग यहाँ बाजार में मौजूद हैं कि जो है लगातार भीड़ चल रही है और कर्फ्यू को लेकर, भैया कल से जो है सरकार ने जो है 1 हफ्ते का यहाँ कर्फ्यू जारी किया है, तो आपका क्या कहना है उसमें? तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत भी आ रही है पब्लिक को भी, कभी कह रहे हैं लॉकडाउन नहीं होगा, कभी कह रहे हैं लॉकडाउन होगा। तो आपका कहना है कि सरकार का और प्रशासन का कोई स्पष्ट आदेश नहीं है, जिसको लेकर जनता के सामने दिक्कत आ रही है और दिक्कतों को लेकर अभी भी असमंजस की स्थिति बनी है। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। वैसा कल से जो है 1 हफ्ते के लिए रामनगर में कर्फ्यू लगा दिया है, आवश्यक सेवा की दुकान खुली, किस प्रकार का महसूस करते हैं? सर हमारे सब मेरे को तो लगता है उचित है और कर भी जा सकते हैं, इसके अलावा होना चाहिए, जैसे कि कोरोना बढ़ रहा है उस हिसाब से ये सब चीज़ें लागू होनी चाहिए। तो आपका कहना है कि कोरोना जिस प्रकार बढ़ रहा है उस प्रकार से सरकार का और प्रशासन का जो फैसला है वो पूरी तरह ठीक है और कर्फ्यू होना चाहिए, लेकिन जनता को भी इसके लिए सतर्क रहना चाहिए। गुड़िया कल से जो है कर्फ्यू है 1 हफ्ते का, हाँ। तो उसमें आपका क्या कहना है कि फैसला सरकार का सही है और जनता को किस प्रकार से सतर्क रहना चाहिए? हाँ सही है फैसला, तो हाँ जनता को सतर्क रहना चाहिए और कर्फ्यू लगना चाहिए, भीड़ भाड़ नहीं होनी चाहिए। तो आपका कहना है कि कर्फ्यू लगना चाहिए, बाजार में जो आज की भीड़ लगी भी है उस पर भी नियंत्रण होना चाहिए, जिसको लेकर हम अभी और भी यहाँ बातचीत करेंगे। कई लोग हमारे बीच घूम रहे हैं कि हम बातचीत करेंगे कि बहन जी कल से जो है कर्फ्यू लग रहा है, सुनिए कल से कर्फ्यू लग रहा है तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहती कि भीड़ होनी चाहिए कम होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। तो आपने भी कहा कि भीड़ कम होनी चाहिए और कर्फ्यू लगना चाहिए, क्योंकि कोरोना के जिस प्रकार लगातार संख्या बढ़ रही है और कई लोग अपनी जान भी इसमें गंवा चुके हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों की चिंताएं लगातार बढ़ रही है। हमारे बीच में कुछ दुकानदार भी मौजूद हैं, हम दुकानदारों से भी बातचीत करेंगे कि कर्फ्यू को लेकर उनके आगे किस प्रकार का रोजी रोटी का संकट है, क्योंकि यहाँ बुक सेलरों की दुकान भी है, लेकिन कल जो कर्फ्यू में ढील दी गई है उसमें उनको प्रतिबंधित रखा गया है कि उनकी दुकानें बंद रहेंगी। हमारे साथ मौजूद है भाई साहब, कल से जो है 1 हफ्ते का कर्फ्यू सरकार ने और प्रशासन ने घोषित किया है, तो आपको उसको कर्फ्यू को लेकर किस प्रकार की दिक्कत है?
दिक्कतें ये हैं, बच्चों के स्कूल खुले हुए हैं और बच्चे कापी किताबों के लिए परेशान हो रहे हैं, किसी पे किताब नहीं है, किसी पे कॉपी नहीं है। तो आप बच्चे जब लॉकडाउन लग जाएगा तो बच्चे कापी किताब कहाँ से लेंगे और ऑनलाइन कैसे पढ़ेंगे? कर्फ्यू लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, कर्फ्यू आप लगाएं तो पूरा लॉकडाउन रखे एक हफ्ते का, ताकि कोई दुकान खुले ही ना, चाहे वो आटे की हो, चाहे चावल की हो, चाहे राशन की हो, पूरा कर्फ्यू लगाएं ताकि बाजार में आदमी आने के लिए। तो आपका कहना है कि लॉकडाउन लगे तो पूरे एक हफ्ते का कंटिन्यू लगना चाहिए, और इनके साथ दिक्कतें हैं क्योंकि इस समय स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, ऑनलाइन पढ़ाई में जब बच्चों के पास कॉपी किताब उपलब्ध नहीं होगी तो बच्चे पढ़ाई किस तरीके से करेंगे? तो इनका कहना है दुकानदार का कि कर्फ्यू लगना चाहिए, लेकिन संपूर्ण रूप से लॉकडाउन लगना चाहिए, किसी भी प्रकार की दुकानों को खुलने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। हमारे साथ एक और बुक सेलर मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे कि भाई साहब, डीएम ने कल जो है एक हफ्ते का रामनगर में कर्फ्यू घोषित किया है, और उसको लेकर आपके सामने क्या दिक्कत है? दिक्कत हमारे सामने बहुत है क्योंकि बच्चों के स्कूल खुले हुए हैं, खुले हुए तो नहीं है स्कूल, लेकिन ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, बच्चे किताबें लेने के लिए परेशान होंगे, तो या तो ये संपूर्ण लॉकडाउन कर दीजिए, बिल्कुल बिल्कुल कोई दुकान खुले ही ना किसी भी तरह की, तब तो उसका फ़ायदा है, वरना ये लॉकडाउन करना बेकार है इनका। तो आपका भी कहना यही है कि सरकार और प्रशासन को संपूर्ण रूप से लॉकडाउन करना चाहिए, बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, हालांकि स्कूल बंद है, लेकिन जब कॉपी किताब की दुकानें बंद होंगी तो ऐसे में बच्चों का आगे शिक्षा को लेकर भी एक गंभीर संकट खड़ा है। उन्होंने दुकानदारों का कहना है कि प्रशासन और सरकार को संपूर्ण रूप से एक हफ्ते का लॉकडाउन करना चाहिए और किसी भी प्रकार की कोई दुकान खुलने की छूट नहीं देनी चाहिए। हमारे साथ एक मौजूद है बहन जी, कल से जो है कर्फ्यू है एक हफ्ते का रामनगर में, तो आप कैसा महसूस करती हैं सरकार को प्रशासन का निर्णय? नहीं, बहुत अच्छा निर्णय है, बहुत अच्छा। और जनता के लिए क्या संदेश है कि कैसे सतर्क रहना चाहिए? जनता को रूल्स मानने चाहिए जो सरकार बना रही है, तोड़े ना, और कोई भी जरूरत हो तो निकले, जरूरत ना हो तो ना निकले। तो आपका कहना है कि सरकार और प्रशासन ने जो गाइडलाइन जारी की है बिल्कुल सही है, जनता को भी सरकार की गाइडलाइनों का पालन करना चाहिए, नियमों का पालन करना चाहिए, तभी इस बीमारी से हम निजात पा सकते हैं। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि किस प्रकार से जो कल से एक हफ्ते का मंगलवार से कर्फ्यू लगा है उसको लेकर क्या दिक्कत है। आप यहाँ सिलाई मशीन रिपेयरिंग की आपकी दुकान है कि भाई साहब, कल से जो है एक हफ्ते का रामनगर में कर्फ्यू है और आपकी शायद दुकान उसमें प्रतिबंधित है, तो आप कारोबार को लेकर आप कितना? काफ़ी चिंतित है कारोबार को लेकर हम लोग, कारोबार हम लोगों का बहुत ज़्यादा बाधित हो रहा है, सरकार को थोड़ी बहुत हम लोगों को छूट देनी चाहिए। तो आपका कहना है कि कर्फ्यू लगना चाहिए, कारोबार पिछले साल के लॉकडाउन से अभी तक उभर के नहीं आए, सरकार को इन लोगों को भी छूट देनी चाहिए। मैं बंटी अरोरा जी से चाहूँगा कि देखिए हमारे इधर भीड़ का क्या आलम है, भीड़ पर एक बार कैमरा घुमाकर हमारे दर्शकों को दिखाएं कि रामनगर में मंगलवार से लगने वाले कर्फ्यू को लेकर लोगों में किस तरीके से अफरा तफरी का माहौल यहाँ बना हुआ है, लोग परेशान हैं, सामानों की खरीदारी कर रहे हैं, ईद का त्यौहार भी सर पर है, उसको लेकर भी लोग काफ़ी परेशान है। लेकिन प्रशासनिक तौर पर हम देखें तो रामनगर में अभी भी बाज़ार में कोई भी प्रशासन की जो है सुरक्षा गार्ड यहाँ उपलब्ध नहीं है। हम बातचीत करेंगे, हमारे बीच ये पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, आपसे बात करेंगे कि सरकार ने और जिलाधिकारी ने कल रामनगर में जो है, क्योंकि कोरोना की संख्या लगातार बढ़ रही है, उसको लेकर 27 तारीख से 3 मई तक जो है कर्फ्यू जारी किया है, तो आप कितना सहमत हैं? ठीक है, कोरोना का रोकथाम के लिए ये ठीक है, लेकिन बाज़ार में भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से आपत बहुत ज़्यादा हो रही है और जनता को सहम नहीं है, लेकिन थोड़ा सा वो रखना चाहिए, सहम रखना चाहिए। तो आपका कहना है कि कर्फ्यू लगना चाहिए भीड़ भाड़ पर भी, लेकिन बाजार में नियंत्रण होना चाहिए, बाजार में नियंत्रण तभी होगा, इसके लिए प्रशासन को भी ठोस कदम उठाने पड़ेंगे, तभी जो है इस पर रोक लग सकेगी। हमारे साथ और भी लोग मौजूद, अभी हम बातचीत करेंगे। भाई साहब, जो है कल से जो है कर्फ्यू लग रहा है, एक हफ्ते का लॉकडाउन लगने वाला है, रामनगर में संख्या लगातार बढ़ रही है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? लॉकडाउन लग रहा है तो अभी पब्लिक को जो है अपने घरों में रहना चाहिए, ज़्यादा परेशानी हो रही है, घरों में अपना रहें, अपना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। तो आपने कहा कि कर्फ्यू लगना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होना चाहिए, तभी इस बीमारी पर निजात पाई जा सकती है, लेकिन रामनगर में आज भी हम देख रहे हैं तो कई लोग बिना मास्क के अभी भी घूम रहे हैं। मैं बंटी अरोजी से आऊँगा कि सामने दुकान में देखिए किस तरीके की भीड़ लग रही है और लोग सामान खरीदारी करने के लिए किस तरह सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जी उड़ा रहे हैं, तो वहीं दुकानदार भी सामाजिक दूरी को लेकर बिल्कुल चिंतित नहीं है। मैं दिखाना चाहूँगा कि देखिए रामनगर में किस प्रकार से लगातार सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ रही हैं, लेकिन प्रशासनिक तौर पर कोई भी कार्रवाई यहाँ पर नहीं की जा रही है।
लगातार सरकार और प्रशासन क्षेत्र की जनता और प्रदेश की जनता से अपील कर रहे हैं कि कोरोना को लेकर सावधान रहें, सावधानी बरतें, सतर्क रहें, लेकिन रामनगर में लगातार नियमों की अनदेखी होती जा रही है। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, News 31 उत्तराखंड। खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।